नमस्कार दोस्तों, मैं बिन्नी कुमारी। मैं फिर एक बार आई हूँ अपने किचन में एक नए रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर। रेस्टोरेंट स्टाइल में चिली पनीर बनाऊंगी आज। चिली पनीर के लिए सामग्री जो है यहाँ पर है, 400 ग्राम पनीर लिए हैं, उसको स्क्वायर पीस में काट लिए हैं, और यहाँ पर चार बड़ा बड़ा प्याज को टुकड़ा में ऐसे अलग अलग करके रख लिए हैं काट करके। एक शिमला मिर्च है, उसको स्क्वायर पीस में काट कर रखी हूँ, उसका बीज निकाल दी। और यहाँ पर है लहसुन, लहसुन 2 चम्मच है, इसको भी कटिंग करके रखे हैं। 3 हरी मिर्च, इसको भी कट करके रखे हैं, यह है चॉप करके रखी हुई हूँ। अदरक है 2 चम्मच है अदरक, उसको भी हम कद्दूकस करके रख लिए हैं। यहाँ पे है इसमें ये जो है कश्मीरी मिर्च है, इस कलर के लिए डालना बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए इसको 1 चम्मच लिए हैं। यहाँ पे है ग्रीन चिल्ली सॉस 1.5 चम्मच, यह है लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और यहाँ है काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, यहाँ है 1 चम्मच मैदा, मैदा ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, मात्र 1 चम्मच मैदा है। यहाँ है 3 बड़ा चम्मच है कॉर्नफ्लोर। फिर यहाँ पर टोमेटो केचप 2 चम्मच है, और यहाँ है सोया सॉस 1.5 चम्मच, यह है रेड चिली सॉस 1 चम्मच, थोड़ा सा विनेगर है 1/2 चम्मच, और इसको तलने के लिए सफोला गोल्ड है। अब आगे हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। अब हम पहले पनीर को ले लेंगे। पनीर में हम उस पर से अरारोट और थोड़ा सा मैदा मिला करके इसको कोट कर लेंगे। ये अरारोट है और ये मैदा है, मैदा सब डाल लेंगे 1 चम्मच है। ये काली मिर्च पाउडर है, इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा। हल्का पानी इसमें, इसको धीरे धीरे से करेंगे, नहीं तो हाथ से करने पर टूटने का डर लगता है, टूट जाता है। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पानी नहीं करेंगे। थोड़ा सा नमक, नमक मैं भूल गई थी फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक सॉस में भी है फिर ऊपर से भी डालना है, इसलिए थोड़ा सा डालेंगे स्वादानुसार। थोड़ा सा कर दिए क्योंकि नमक चारों तरफ मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। पनीर तलने के लिए तेल इसमें डाल दिए, तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें पनीर डाल देंगे तलाने के लिए। तेल गर्म हो गया है, इसको हम पनीर इसमें अलग अलग करके डाल देंगे। इसको धीरे धीरे उलट पलट करेंगे, इसमें देखिए इसको उलट देंगे, जले नहीं। पनीर सब तला गया है,
अब आगे चिली पनीर के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसमें नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डलाएगा, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, इसलिए सोया सॉस डाल देंगे। सोया सॉस डाल देंगे, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, लाल मिर्च पाउडर, ग्रीन चिली सॉस है, ये सिरका है, इसको तेज आंच पर ही बनाएंगे। ये कश्मीरी मिर्च है, आता है इसलिए इसको डालना ज़रूरी रहता है। अब ये जो कॉर्नफ्लोर है इसको इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे। पानी डाल लेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे, नहीं तो नीचे बैठ जाता है। इस डालने के समय भी इसको अच्छे से मिला करके डाला जाता है, नहीं तो ये आपस में गुठलिया बन जाता है। इस इसमें मिला लेंगे। एक बार में पूरा पानी नहीं मिलाएंगे, नहीं तो पतला घोल हो जाएगा इसका, इसलिए इस देख लेंगे कि कितना पर जा रहा है, उसके अनुसार इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। इसमें ग्रेवी हो गया है, अब थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाता है तो हम इसमें पनीर डाल लेंगे। अब इसमें हम पनीर को ऐड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर तैयार हुआ है, देखिए कितना सुंदर तैयार हुआ है रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये पनीर चिल्ली या चिल्ली पनीर जो कहें उसको हम इसमें निकाल करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर मेरा चिल्ली पनीर हुआ है। आप भी ऐसे बनाएं और अपने घर परिवार को खिलाएं ग्रेवी पनीर चिल्ली। इसको अब आप पूरी पराठा या नान से खाएं, बहुत बेस्ट लगेगा। देखिए मेरा ये चिल्ली पनीर कैसा बना है दोस्तों। अगर मेरा चिल्ली पनीर अच्छा बना हो तो मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे दूसरा हम रेसिपी अगर तैयार करें तो आपके पास आराम से पहुंच जाए। थैंक यू, बाय।